देखिए कैबिनेट की बात जो है ना, वो कैबिनेट के सचिव आपको बताएंगे, क्योंकि कैबिनेट से अलग हट के यदि कोई विषय आपके पास है तो पूछिए उस पर। मैं जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पुतला बनाकर पूरे रांची में घुमा रहे हैं। हाँ। बोल रहे कब तक ये 60-40 वाली नीति नहीं चलेगी, सरकार नौकरी दे और झारखंडी युवाओं को नौकरी दे। नहीं तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले, लेकिन जो अभी नीति लाई गई है ये नीति बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सही है। और ये युवा, जैसे आपने देखा होगा कि ट्विटर अकाउंट फर्जी किया और फर्जी ट्विटर अकाउंट करके इन लोगों ने एक साजिश किया, ये भाजपा के कुछ लोग घूम रहे हैं, युवा नहीं घूम रहा है। युवा आज भी इस सरकार पर उसको बहुत विश्वास है और हम लोग इसमें नियुक्ति करेंगे। पिछली सरकार ने अनुबंध पे रखने का काम किया, लेकिन हम लोग नियुक्ति करेंगे और सभी लोगों को समायोजित करेंगे। तो ये जो विधानसभा घेराव करने आए थे ये बीजेपी के लोग थे? आप देखिए इतना बड़ा झारखंड है तो आपको नहीं मालूम है किसके लोग हैं, किसके इशारा में ये सब राजनीति हो रही है, आप लोगों को मालूम है? 60-40 ही रहेगा, ये तो 60-40 ही रहेगा। ये 60-40 क्या होता है? 60 मतलब कि झारखंड, किसने आपको बोला ये सब? ये सब आप तो बता दीजिए ना, क्या क्या मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ क्या हिंदी नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदी नहीं होनी चाहिए? क्या इंग्लिश नहीं होनी चाहिए? क्या संस्कृत नहीं होनी चाहिए? तो मैं तो शुरू से लोकल भी होनी चाहिए, लोकल भाषा के लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में उनको जो है प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। लेकिन आप दूसरे लोगों को भगा नहीं ना सकते हैं। बन्ना जी ये बहुत कंफ्यूजन है कि 60-40 वाला क्या, बता दीजिए। तो बता दिया तो अब आप लोग फिर दौड़िएगा, कर दीजिए ना कि 60 भर दिया है जी, 40 में क्या है वो स्पष्ट कर दीजिए उसी। अच्छा भाजपा से पूछिए ना, भाजपा वाले लोग से पूछिए, आप है ना भाजपा के लोगों से पूछिए। मैंने तो बार बार कहा और मैंने हमेशा मजबूती से कहा, क्या हिंदी के लोग, जनरल लोग, क्या वो उनको झारखंड में जिनके पूर्वज यहाँ दफनाए गए हैं, जिनके पूर्वज यहाँ अंत्येष्टि हुआ है, क्या उनका हक अधिकार नहीं है? वो उनको भगा दिया जाएगा? सबको मिला के चलेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।